देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 150 के पार पहुंच गए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर की बात करें तो कुल मामले 2 लाख से ज्यादा हैं। 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। चीन, इटली, ईरान, स्पेन और जर्मनी ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस हेल्थ इमरजेंसी तो लेकर आया ही है, ये आर्थिक इमरजेंसी भी पैदा कर रहा है। आप अपनी सेहत का ध्यान तो रखें ही, साथ ही रुपए पैसे को लेकर भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या उपाय हैं जो आपको कोरोना वायरस के कारण पैदा होने जा रहे आर्थिक संकट से बचा सकते हैं। लेकिन पहले कोरोना वायरस को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली से सटे नोएडा में अब कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं लखनऊ में कोरोना वायरस का इलाज करने वाले एक डॉक्टर खुद ही इस बीमारी से संक्रमित हो गए। अब तक यूपी से कुल 17 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो देश भर में किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट से जुड़े अपडेट्स में यह है कि भारतीय रेलवे ने सभी जोनों को मिलाकर अब तक कुल 80 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 250 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं गो एयर ने अपनी सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। एयर इंडिया ने ब्रिटेन और यूरोप की अपनी सभी उड़ानों को 19 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 के लिए निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने माता वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाले सभी इंटरस्टेट बसों को चलाने पर आज से यानी 18 मार्च से बैन है। अब आते हैं आर्थिक इमरजेंसी के डर पर। देश के कई राज्यों में रेस्टोरेंट, मॉल, जिम, थिएटर और धार्मिक स्थान तक बंद कर दिए हैं। ज्यादातर कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। लोगों ने घर से निकलना भी बेहद कम कर दिया है। रेटिंग एजेंसी S&P ने 2020 में भारत की ग्रोथ का अनुमान 5.7% से घटाकर 5.2% कर दिया है। कुल मिलाकर जो स्थिति है इसका बेहद बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने जा रहा है। शेयर मार्केट से भी इसकी झलक मिलती है। लगातार गिरावट जारी है शेयर मार्केट में। 18 मार्च को तो सेंसेक्स 3 साल के निचले स्तर पर चला गया। लोग घरों से निकलेंगे नहीं तो मांग में कमी आएगी और फिर इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ेगा। फिर छटनी और बेरोजगारी की मार तो है ही, तो आपकी जेब में पैसा कभी भी घट सकता है। इसलिए अभी तुरंत कुछ ना कुछ उपाय कर लीजिए ताकि आप आर्थिक इमरजेंसी में ना पड़ जाएं। तो अब ये उपाय क्या है? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट गौरव मशरूवाला के मुताबिक सबसे जरूरी है कि अपने पास कैश बनाए रखें, 3 महीने का घर खर्च संभाल कर रखें। एक और पॉइंट है यह है कि चेक करें कि आपकी पॉलिसी में COVID-19 कवर है या नहीं। 1 महीने की एक्स्ट्रा EMI बैंक में रखें। शेयर बाजार में निवेश के लिए एक्सपर्ट की सलाह लें और सबसे जरूरी यह भी है कि परिवार को वित्तीय फैसलों की जानकारी दे दें। तो अब कोरोना वायरस से बचने के लिए थोड़े थोड़े समय पर हाथ तो साफ करिए ही, और इसके साथ ही आर्थिक असर से बचने के लिए कदम फूंक फूंक कर रखिए।